मेरा नाम मोहम्मद कबीर है। ये 7:30 बजे की बात है। 7:30 बजे ये गाड़ी यहाँ से नीचे आई है। सबसे पहले तो मैं पहुँचा, मेरी बहन पहुँची है। हम तो कुछ नहीं कर पाए, मगर हमने थोड़ा बंदों को सीधा किया है। तब तक पब्लिक आई, उन्होंने उठा के फिर ऊपर लिया है। बस ये ऐसा ही हुआ सर। अदाब नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की पंचायत हल्का समोट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक आल्टो कार गाड़ी जो है, ये सुबह जो है तरगाई से समोट की ओर जा रही थी। ताहम सुबह 7:30 बजे एक दिलदोज हादसा जो है वो समोट के मकाम पर जो है वो पेश आया है, जिसमें एक गाड़ी जो है ज़ेरे नंबर है JK11F8709 गाड़ी जो है इसका ये नंबर है। ताहम इस गाड़ी में एक कमसन बच्चे समेत 5 लोग जो थे वो सवार थे। बदकिस्मती की बात यही रही कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। ताहम गनान के मकाम पर यह हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कुल 5 लोग जो थे वो सवार थे, जिसमें 2 खवातीन, 2 मर्द और 1 कमसन बच्चा था। ताहम मरने वालों में जो मौके पर जिनकी मौत जो है वो वाक़ा हो गई, उनमें शनाज शाहजहान वाइफा मोहम्मद नज़ीर साकना तरगाई उम्र 45 साल है, और शनाज अख्तर वाइफ ऑफ अल्ताफ शाह ये भी तरगाई के रहने वाले हैं। जख्मियों में अयूब शाह सन ऑफ नबी शाह और अकबर शाह सन ऑफ मेहंदी शाह ये लोग शदीद जख्मी हुए। मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई के दौरान इन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोटरंका पहुँचाया गया, जहाँ इब्तदाई इलाज व मुआलजे के बाद इन्हें GMC राजौरी मुंतकल किया गया। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि जो गाड़ी का जो ड्राइवर था अयूब शाह सन ऑफ नबी शाह, ये महकमा जंगलात में बतौर मुलाजम था, और ये शदीद ज़ख्मी होने की वजह से ज़िंदगी की जंग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में जो है वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो हादसा पेश आया है, इसमें एक 9 महीने की बच्ची जो है वो बिल्कुल महफूज है। हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोटरंका में जब उसकी आयादत की और बच्ची बिल्कुल महफूज थी, और 9 महीने की वो बच्ची है। मकामी लोगों ने कश्मीर उज़्ज़मा से बात करते हुए कहा कि 7:30 बजे के करीब ये हादसा जो है हमारे सामने पेश आया। हमने बचाव कार्रवाई के दौरान जिनकी हलाकत हो चुकी थी खातून की, उनको हमने सीधा किया, और जो लोग ज़ख्मी हुए हमने फौरी तौर जो है वो इंतज़ामिया के नोटिस में मामले को लाया, और उन्हें जो है बचाव कार्रवाई के दौरान उन्हें बेहतर इलाज के लिए जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँचाया। आप देखते रहे कश्मीर उज़्ज़मा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।